ये देखो भाई साहब, लोगों के खेत के खेत डूब गए पानी में। कौन चला जाए, कुछ कौन जिम्मेदारी लेगा? स्लीपर में टिकट है। जनरल कोच में लोग बाहर तक टंगे हुए हैं। ये जो आप कंडीशन देख रहे हो, जनरल कोच की नहीं, ये है थर्ड एसी। बहुत ज्यादा रेयर होता है। और ये देखो मालगाड़ी के साथ हम लोगों का पैरेलल। ट्रेन नंबर 12164 चेन्नई मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन 1261 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है 21 घंटे 20 मिनट के समय में। और आपको पता है जो एवरेज स्पीड रहती है इस जर्नी के दौरान, वो रहती है 59 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस चेन्नई मुंबई एक्सप्रेस में हम लोग जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो आज अपनी चेन्नई मुंबई एक्सप्रेस जो है वो जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 10 से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के। तो ये रहा भाई प्लेटफॉर्म नंबर 10 और ऑलरेडी अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर। तो आज इस चेन्नई एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं थर्ड एसी में। और अपना जो कोच है ये है B1, एकदम आगे की साइड है। अभी लोकोमोटिव भी दिखाएंगे आपको। चलो सबसे पहले चलते हैं, लगेज रख लेते हैं अंदर और सीट और दिखा दें आपको आज अपनी कौन सी सीट है इस चेन्नई एक्सप्रेस में। और आज जो अपनी सीट है वो है ये साइड अपर, अपनी फेवरेट सीट, सीट नंबर 48। और अभी फिलहाल तो देखो कोच में साफ सफाई जबरदस्त है, एकदम मेंटेनेंस अभी फिलहाल तो देख रहे हैं, फर्स्ट लुक एकदम बढ़िया। तो भाई साहब कोच दिखा दिया, सीट दिखा दी, अब चलो लोकोमोटिव और दिखा देते हैं। काफी आगे साइड है लेकिन आज अपना कोच एकदम आई पीछे, मतलब लोकोमोटिव, उसके बाद एक जो है यहाँ पर पार्सल वैन का कोच है, एक जनरेटर कार है, एक जनरल कोच है और उसके बाद अपना कोच है B1। चलो अब चलते हैं आपको आगे साइड दिखा देते हैं लोकोमोटिव, वैसे है तो अपना फेवरेट लोकोमोटिव ही। तो ये आ गए हम लोग एकदम एंड में और ये रहा अपना लोकोमोटिव WAP-7 लोकोमोटिव, बनियान वाला भाई ब्रांडिंग कर रखी है अपने WAP-7 अपने इल्लू भाई पे, देख रहे हो बढ़िया ब्रांड है भाई, ब्रांड WAP-7। तो अपने निर्धारित समय से करीब 3 मिनट की देरी से हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल से। अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो डेली शाम को 6:20 पर निकलती है चेन्नई सेंट्रल से और नेक्स्ट दोपहर में 3:40 पर पहुंचा देती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई। किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं। अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे अरकोनम जंक्शन, जो कि तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 8 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 114 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट, 13 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और भाई साहब सिग्नल यहाँ पे है ना ऑलरेडी येलो है जब अपनी ट्रेन आई ना, और भीड़ भाई साहब जनरल कोच के लिए अनलिमिटेड। नॉर्मली साउथ की ट्रेन में ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिलती है लेकिन ये देखो जगह नहीं है पैर रखने के लिए अंदर, क्योंकि एक जनरल कोच यहाँ आगे लगा हुआ है और शायद 2 पीछे लगे हुए हैं, आगे की साइड में 1 ही है इसलिए ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये देखो भाई साहब इतनी भीड़ हो गई जनरल कोच में, लोग बाहर तक टंगे हुए हैं, अंदर जगह नहीं है घुसने की। तो कितना रिस्की है ये चीज़ सोचो, ऐसी चलती ट्रेन में इतनी बाहर तक लटक के जर्नी करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा।
भाई अभी अराकोनम जंक्शन निकला है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। ये जो आप कंडीशन देख रहे हो जनरल कोच की नहीं, ये है थर्ड एसी की। क्यों है? क्योंकि आगे साइड सिर्फ एक ही जनरल कोच लगा हुआ है, इसी वजह से सभी पैसेंजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है जो जनरल कोच में ट्रैवल करना चाहते हैं। खाने में क्या क्या होगा, मतलब वेज थाली है क्या? वेज थाली है। कितने की है? 120। क्या क्या रहेगा उसमें? इसमें पनीर का सब्जी है, दाल फ्राई है, फुल राइस है, तीन चपाती है, अचार। 120 120। अच्छा, एक 80 वाली भी होगी अपने पास, है ना? 80 वाली लिख लीजिए। 80 वाली में क्या क्या रहेगा? हमको तो पता ही है, आप बोल दीजिए। हमको तो नॉलेज है ही, आप तो जान ही रहे होंगे। सीट नंबर ये अपनी 48। बोलो मत, ये तो हो जाएगा। ₹144 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं। अभी हम लोग रेनीगुंटा जंक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर गुंटकल रेलवे डिवीजन के, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट। और जिन लोगों को तिरुपति टेम्पल विजिट करना होता है वो लोग ज्यादातर इस रेलवे स्टेशन को यूज करते हैं। तिरुपति का भाई मतलब मेन रेलवे स्टेशन है। वैसे एक तिरुपति रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन उधर जाने के लिए अगर चेन्नई से आ रहे हो तो ट्रेन को रिवर्सल लेना पड़ता है, इसीलिए जब चेन्नई से लोग आ रहे हैं ज्यादातर इसी रेलवे स्टेशन पे डीबोर्ड करते हैं। और भाई अभी खाने पीने का सीन देखा, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार का कोच मिलेगा, पेंट्री कार की सर्विस भी मिलेगी। तो अभी हमने खाना का ऑर्डर दिया, सभी पैसेंजर से ऑर्डर ले रहे थे ₹120 की थाली का, ठीक है। हमने बोला 80 वाली है, तो कहते हैं हाँ है। उसके बाद में हंसने लगे भाई कि हाँ ठीक है, आपको सब पता है ये सब। तो वही बात है भाई, जिन लोगों ने दिया 120 का ऑर्डर, उन्होंने 120 का, और हमने बोल दिया 80, तो भाई 80 वाला ऑर्डर ले लिया। बस भाई एक पनीर की सब्जी का डिफरेंस रहता है, उसी वजह से ₹40 की बढ़ा देते हैं लोग, और वो भी सब्जी ढंग की नहीं मिलती है ना। तो ये सीन है भाई अभी तक। और बाकी अभी अपना डिनर जो है ना ऑलरेडी आ गया, सीट पर रखा हुआ है, रेनीगुंटा से पहले ही हम लोगों को सर्व कर दिया गया है, लेकिन हमने भाई अभी खोला नहीं है। हमने स्टेशन कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। वैसे गरम गरम सर्व किया था, लेकिन अब ठंडा हो जाएगा। अभी भाई सब करीब 10 मिनट हो गए, अपनी ट्रेन को सिग्नल तो मिला नहीं, यहाँ से चली तो नहीं है, और यहाँ पर देखो थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई है। चलो यार अभी फिलहाल चल के डिनर करते हैं, पूरा ठंडा हो गया होगा खाना। वेज थाली का हमने ऑर्डर दिया था, तो वेज थाली अपनी आ गई है। इसमें एक है मटर पनीर, एक दाल है, साथ में चावल, एक अचार का पैकेट, और यहाँ पर 3 पराठे सर्व किए गए हैं। वैसे 2 रहते हैं इसमें, लेकिन 3 किए गए। अब चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी का टेस्ट हमको सही लगा, और उसके बाद दाल टेस्ट की, तो दाल का टेस्ट भी एकदम सही है। तो ओवरऑल जो खाने की बात करें इस मील की, तो खाना बढ़िया था। वही अभी अपना खाना पीना तो हो गया बढ़िया, डिनर हो गया, डिनर का टेस्ट सही था, हमने आपको बताया ही। बाकी अभी क्या हुआ, सोने जा रहे थे, बेडिंग वगैरह की, तो जो पिलो कवर था वो थोड़ा सा गंदा था, तो उसको चेंज करवा दिया, साथ में हैंड टॉवल भी ले ली। वैसे बेडरोल के साथ में जो हैंड टॉवल ज़्यादातर आजकल ट्रेनों में नहीं मिलती, अलग से मांगो तब मिल जाती है ना, कोच अटेंडेंट से कहना पड़ता है। अब दिक्कत क्या है ना कि कई लोग उसको घर की जागीर अपनी समझ के ले जाते हैं हैंड टॉवल को, उसके इसका पैसा कहाँ कटता है? कोच अटेंडेंट की सैलरी से, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है जर्नी में तो आप मांग सकते हो, बाकी घर ले जाने के लिए नहीं होती है ये, ठीक है। जो लोग ऐसा करते हैं मत किया करो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी सुबह का बज रहा है 7:30, बस अभी सोकर उठ रहे हैं, और अभी अपनी ट्रेन जो है सोलापुर जंक्शन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस साइड का वेदर यार बहुत ज़बरदस्त हो रहा है एकदम। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है इधर, तो बारिश हो भी चुकी है, पूरा गीले पड़े हुए हैं यहाँ के ट्रैक्स वगैरह। और चेन्नई में थे इससे पहले, तो वहाँ पर तो क्या है ना, मौसम थोड़ा ह्यूमिड हो रहा था, थोड़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह सर्दी सी लग रही है, इतनी ठंडा, कितना बेहतरीन मौसम है। और अभी पूरा क्लाउड्स वगैरह हो रहा है, तो आगे हम लोगों को बारिश भी दिखने वाली है इसी रूट पर।
वो वाली चाय नहीं है क्या अपने पास? पैकेट वाली है, पैकेट वाली आती है, 20 रुपए का पैकेट आता है, वो नहीं है? पेंट्री में भी नहीं है? चलो ये लो, एक दे दो ये वाली। वैसे इस ट्रेन की पेंट्री में जो अपना पैकेट वाली चाय होती है ज़्यादातर जो हम ट्रेन में पीते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मल वाली जो चाय है 10 वाली यही अभी ली हुई है। चलो इसको टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। वैसे वो तो सही रहता है, पैकेट वालों कई बार बता चुके हैं, लेकिन इस ट्रेन की चाय देखते हैं कैसी है। ठीक ठाक टेस्ट है, मतलब थोड़ा सा इसमें चीनी ज़्यादा है, मीठी ज़्यादा है, बाकी टेस्ट काम चलाओ टाइप का ही है। जानते ही हो ये 10 वाली चाय का तो क्या सिस्टम है भाई, रेलवे में मुश्किल ही है आपको अच्छी चाय मिले ट्रेन में, ये रेडीमेड वाली, बाकी पैकेट वाली सही रहती है। किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 1 घंटे 2 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग सोलापुर जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये रेलवे स्टेशन जो है ना इंडियन रेलवे के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन की लिस्ट में भी शामिल है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर सोलापुर रेलवे डिवीजन के, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी अभी अपनी ट्रेन में क्या है कि पेंट्री कार का कोच है ही, तो सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह चल ही रहा है, चाय का टेस्ट हम आपको बता चुके हैं। तो अभी सोलापुर निकलेगा ना, इसके बाद लेते हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह और आपको बताएंगे भाई कैसा क्या ब्रेकफास्ट है इस ट्रेन का। तो अभी हम लोग आए हैं सोलापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और यहाँ पर अभी कुछ प्लेटफॉर्म का काम भी चल रहा है, और पीछे की साइड रह गए काफी सारे स्टॉल्स वगैरह हैं जहाँ से आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो। वैसे वेंडर्स वगैरह भी हैं काफी सारे, जैसे कि यहाँ पर ये देखो ये लगाए हुए ना, तो वेंडर्स हैं यहाँ पर, आप इडली वड़ा और ये सारी चीज़ें, वड़ा पाव वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हो। चाय कॉफ़ी भी मिल रही है, पानी वगैरह। तो नाश्ता अगर आप चाहो, ब्रेकफास्ट अगर चाहो तो आप यहाँ से स्टेशन से भी ले सकते हो, लेकिन भाई हम लोग तो जो है ना अंदर ट्रेन में ही ट्राई करेंगे ट्रेन की पेंट्री का कैसा है ब्रेकफास्ट। तो भाई सब जनरल कोच में ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी बिना टिकट ट्रैवल मत किया करो। ये देखो भाई का फलान, मतलब चलान कट गया है अंदर गया, अभी टीटी जो है इनको लेके गए हैं अंदर। बिना टिकट के ट्रैवल करोगे तो भाई चालान तो देना ही पड़ेगा। अभी देख रहे हैं तो सिग्नल हो गया येल्लो, हम लोग हैं तैयार यहाँ से निकलने के लिए। देखो दिख रहा है ना सिग्नल, वो देखो वो रहा येल्लो सिग्नल। ब्रेकफास्ट में क्या क्या होगा आपके पास? इडली वड़ा है, उपमा है, पोहा है। अच्छा अकेला वड़ा नहीं होगा, मेदू वड़ा तो एक पोहा गरम है। एक पोहा हो गया और एक उपमा दे दो, ये भी गरम है। कितने का? 80 हो गया ना। तो अभी इसी ट्रेन की पेंट्री से हमने लिया है ब्रेकफास्ट में 2 चीज़ें, एक ये है पोहा और साथ में एक उपमा। चलो दोनों चीज़ें वैसे हल्की हल्की गर्म है, और टेस्ट करते हैं कि भाई कैसा क्या है इस ट्रेन की पेंट्री का ब्रेकफास्ट। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं उपमा, सही है। इसमें थोड़ी बहुत जो है वेजीज वगैरह भी डली हुई है, जैसे कि गाजर वगैरह, कड़ी पत्ता भी है, उसका भी स्वाद आ रहा है। एकदम सादा सिंपल है उपमा, टेस्ट सही है। वैसे अभी इसके संग चटनी भी ली है नारियल की, उसके संग ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब बाकी देखते हैं, पोहा भी टेस्ट कर लेते हैं, लगे हैं हाथ। पोहा भी जो है ना वो भी हल्का हल्का गर्म है, और टेस्ट इसका भी सही है। थोड़ा क्या वैसा सुनिए सूखा सूखा हो जाता, वैसा नहीं है, सही है, सॉफ्ट है। तो आप इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट ट्राई कर सकते हो। बाकी सोलापुर जंक्शन पे जो था ना वहाँ भी ऑप्शन था,
और यहाँ पेंट्री का भी ऑप्शन है आपके पास, वागी ब्रेड ऑमलेट ये भी है। पेंट्री वाले ही हैं, बार बार खोलते रहते हैं, खोल के आना जाना करता है, ये सब आते रहता है। मान लीजिए हमें जैसे कोई भी पैसेंजर है सिंगल ट्रेवल कर रहा है, वॉशरूम वगैरह तो जाएगा ही ना, कुछ सामान चला जाए, कुछ कौन सी मिला लीजिए, स्लीपर में टिकट है, इधर घूम रहा है, ये स्लीपर नहीं करता इसका, इधर आके इधर घूम, वही ना, क्या पढ़ा लिखा आदमी है, खुद को समझना चाहिए ना, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, गार्डन थोड़ी है कि गार्डन में घूम रहा है, पार्क में घूम रहा है, दिन भर घूमना है, उधर घूमना भाई। किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र के पुणे जंक्शन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 6 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 125 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 75 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर पुणे रेलवे डिवीजन के, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी अभी आपने देखा भाई क्या सीन था कि जो जनरल कोच है और जो B1 कोच है अपना आगे ही साइड में है ना, अपने कोच के आगे ही जनरल कोच है जस्ट, तो बीच में जो इसका गैंगवे रहता है ना वो खुला हुआ है, क्यों खुला है भाई, कोई लोकल वेंडर खोल देता है, कोई पेंट्री वाले ये वेंडर्स हैं ये खोल देते हैं, उस साइड जाते हैं, उससे क्या हो रहा है वहाँ से पैसेंजर वगैरह आ रहे हैं और आराम से थर्ड AC में घूम रहे हैं। और अभी जो अपना कोच अटेंडेंट था ना भाई वो भी बता रहा था कि अभी जो राउंड मतलब यहाँ से गई थी जो ट्रेन मुंबई से चेन्नई के लिए, तो वहाँ पर B1 कोच में ही मोबाइल भी चोरी हुआ भाई, इसीलिए फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्शन लिया गया था और काफ़ी कंप्लेंट्स वगैरह हुई थी, तब जाके फिर से गैंग में बंद किया गया था। अब देखो मतलब एक दिन पहले हुआ तब भी जाके ये चीज़ अच्छे से फॉलो नहीं हो रही, उसके बाद आज फिर खोल दिया गया और फिर वही चीज़ हो रही है, जनरल वाले कोई मतलब आ रहा है, टिकट है नहीं है कुछ नहीं पता भाई, कोई गारंटी कौन लेगा, कोई भी चीज़ चली जाए किसी भी पैसेंजर की कौन गारंटी लेगा, कोई भी नहीं। इसलिए फिर हमने अभी क्या किया कि भाई कोच अटेंडेंट को बोला कि देखो यार काफ़ी लोग खड़े हुए थे जनरल कोच से आके आराम से इधर पे घूम रहे थे मतलब मस्त है ना, तो फिर TTET को बुलाया तब जाके करवाया, कोच अटेंडेंट ने जाके उनको टोका तो भाई उल्टा चढ़ रहा है उस पर, ठीक है, तो हमने बोला भाई तुम टेंशन ना लो, तुम बुलाओ TT को, उनका काम है, वो अपने आप चेक करेंगे। तो अभी दिन का बज रहा है 12:46 और हम लोगों का जो लंच है ना ऑर्डर किया हुआ था पेंट्री से वेज मील, तो बस वही है सेम जो कल रात में था, बस अभी पनीर की सब्ज़ी की जगह एक ये हो गई है छोले पनीर की सब्ज़ी, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है भाई, 3 पराठे चावल और दाल और साथ में एक अचार। वैसे अभी हमें भूख तो थी नहीं भाई क्योंकि ब्रेकफास्ट जो किया था काफ़ी हैवी था, बट अब आ गया है तो टेस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है खाना खा ही लेते हैं क्योंकि इसके बाद आपको पता है बहुत ही खूबसूरत सेक्शन आने वाला है। मेन तो भाई ये छोले की सब्जी, ऊपर से पनीर की बस कुछ पीसेस डाल दिए हैं, तो छोले की सब्जी तो सही है, टेस्ट इसका एकदम सही, खाना इस ट्रेन का जो है ना टेस्ट वाइज मेंटेन अच्छा किया हुआ है, दाल का टेस्ट ये भी ठीक है, मतलब रात में जो दाल थी ना वो ज़्यादा बढ़िया थी, अभी वाली भी सही है, लेकिन छोले की सब्जी एकदम ज़बरदस्त है, तो इस ट्रेन का भाई खाना पीना आप ट्राई कर सकते हो,
क्योंकि अभी तो चेन्नई से आ रही थी ट्रेन, तब तो बढ़िया मेंटेन किया हुआ है इसमें। ओ भाई साहब, यहाँ पर बलून भी मिल रहा है ट्रेन में, 10 रुपये का बलून मिल जाएगा। ऐसी बहुत अलग अलग चीज़ें आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी पुणे के बाद। पूरा लोकल वेंडर्स वगैरह बहुत सारे हैं। हाँ तो भाई साहब, अपना लंच भी हो गया है और अब बारी है एक्शन की। क्या एक्शन की भाई साहब, अभी जो है ना, पता ही है आपको, लोनावला वाला जो करजत घाट का सेक्शन है वो आने वाला है और वेदर ऑटोमेटिक यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। अभी मानसून चल रहा है तगड़ा, यहाँ पर बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। मुंबई साइड भी बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। तो चलो, ये रूट है ना, बढ़िया से आपको दिखाते हैं। अभी बहुत सारे झरने देखने को मिलने वाले हैं इस रूट पे। अभी इधर देख रहे हैं भाई, पहाड़ वगैरह पूरा बादल से घिरे हुए हैं और जो दूर दूर पहाड़ है ना, उन पे भी झरने बहते हुए दिख रहे हैं। तो चलो, अभी आगे रूट में बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। भाई साहब, इतना खूबसूरत मौसम हो, इतना बेहतरीन रूट हो और ऐसे में पैरेलल भाई बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और ये देखो, मालगाड़ी के साथ हम लोगों का पैरेलल चल रहा है यहाँ पर। अभी देखो कौन जीतता है। ओहो भाई साहब, मालगाड़ी में तो देखो इंजन कितने सारे लगे हैं, 1 2 3 4 5 इंजन लगे हुए हैं आगे साइड, जिसमें से 4 चालू हैं इलेक्ट्रिक और डीजल वाला बंद है एक। ओहो, अल्टीमेट, यहाँ से वो गई अलग साइड को, हम लोग जा रहे हैं अलग साइड को। बहुत झरने, ये देखो भाई साहब, इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों पे कितने सारे झरने हैं, इधर लाइन से झरने ही झरने हैं, ये समझ लो। ये देखो, है तो बहुत दूर है, काफी दूर। और ये देखो ट्रेन अपनी पूरी कर्व पे अभी। बहुत देर बाद देखी वो मालगाड़ी जिससे चल रही थी रेस हम लोगों की, वो देखो आगे इस साइड है, अभी आगे निकल गई अभी तो फिलहाल। ये वो मालगाड़ी, चल रही है रेस।
हाँ बहुत देर में ओवरटेक हुआ है भाई, फाइनली हो गया ओवरटेक। पांच पांच इंजन वाली ट्रेन एक इंजन वाली से नहीं चलती भाई। अभी जो रेस के बारे में हमने बोला ना कि पांच इंजन वाली ट्रेन एक इंजन वाली ट्रेन से नहीं जीत पाई, तो कई लोग भाई बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, कई के भाई ये तो सुपर फास्ट ट्रेन है, वो तो मालगाड़ी है, कैसे जीत जाएगी, पांच इंजन का क्या मतलब है। भाई ऐसी बात है कि हमें ही पता, हमको बस वैसे ही मजाक में कह रहे थे कि मजे मजे में। हम लोग कुछ कुछ लोग हैं ना ज्ञानी वाले, ज़्यादा ज्ञान देते हैं तो सीरियस हो जाते हैं यहाँ पर। उन लोगों के लिए भाई हमको ही पता है क्या है क्या नहीं, किसको प्रायोरिटी मिलेगी आगे। यार वाटरफॉल्स यार, ट्रेन जर्नी वाटरफॉल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं यार, मज़ा आ गया। तो भाई साहब घाट का सेक्शन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना भाई, मज़ा आ गया। बाकी देख रहे हो पूरे अभी भींग गए, लगभग हाथ पूरे भींग गए, पूरा फ़ोन वॉच बाल वाल सब भींगे, अभी जाते हैं थोड़ा सुखाते हैं। और वैसे अपनी ट्रेन का जो रूट है ना, अभी क्या निकला था अपना पुणे निकला था ना, पुणे के बाद में अपनी ट्रेन का अगला हॉल्ट था सीधा कल्याण जंक्शन, और उसके बाद थाने, और उसके बाद LTT। लेकिन अभी क्या है कि भाई ट्रेन को सुनने में आ रहा है डाइवर्ट है, ठीक है, कल्याण ना जा करके अपनी ट्रेन जाएगी करजत से, डाइवर्ट हो जाएगी दीवा जंक्शन के लिए, और वहाँ से फिर ये पनवेल होती हुई शायद निकलेगी। अब देखो आगे क्या होता है, किस रूट से जाएगी, क्योंकि उस साइड बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, उस साइड से जो ट्रेन आ रही हैं वो भी इसी तरीके से डाइवर्ट की हुई हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं भाई, ऐसा ही है या अपने ओरिजिनल रूट से जाएगी। तो भाई जैसा बताया था अभी निकला है करजत रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम लोगों का रूट अलग हो रहा है। ये जो सामने वाली लाइन है ना, ये आएगी अपनी कल्याण जंक्शन, इसी पे जाना था हम लोगों को, लेकिन अभी रूट डाइवर्ट हो गया है क्योंकि उस साइड कल्याण जंक्शन साइड बहुत ज़्यादा बारिश है, इसलिए अभी हम लोग वाया पनवेल जाएंगे, पनवेल थाने होते हुए। ये देखो यहाँ पर वाटर फ्लो, भाई साहब यहाँ से ही समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा पानी होगा वहाँ पर, तब जाके ट्रेन्स को डाइवर्ट किया गया है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है, ये देखो भाई साहब लोगों के खेत डूब गए पानी में, ये फिलहाल ये कंडीशन हो गई है इस साइड को, ये पनवेल से पहले की जगह है भाई, कौन सी जगह है पता नहीं। ये देखो भाई साहब नदी का फ्लो, यहाँ पे जो रिवर फ्लो हो रही है उसका कितना ज़्यादा है, बहुत तेज। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पनवेल रेलवे स्टेशन, और लगभग अभी हम लोग ढाई घंटे लेट हो चुके हैं भाई साहब, पानी लगातार बरस ही रहा है, और मतलब मौसम तो अच्छा कहेंगे मतलब ट्रेन जर्नी चल रही हिसाब से, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए भाई यही मौसम बड़ा बेकार है। और सही बात है यार, ट्रेन भी इतनी लेट हो चुकी है मौसम के कारण, इतनी बारिश हो रही, कल्याण साइड बता रहे बहुत ज़्यादा पानी भर गया, इसलिए वहाँ की सारी लोकल ट्रेन भी कैंसिल हैं अभी फिलहाल। और पता नहीं जो लोग बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी देखते हैं यहाँ से, यार सिग्नल तो हो गया इतनी जल्दी, कुछ वड़ा पाव वगैरह अगर गर्मा गर्म मिल जाता है तो लेते हैं। पनवेल से तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और बाकी वहाँ से एंड में हमने भाई चलने वाली थी ट्रेन, फटाफट ले लिए थे अपना ये वड़ा पाव, इसमें साथ में एक ये सूखी चटनी रहती है ना वो है, और मिर्च है। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं, रेडी कर लिया हमने वड़ा पाव, इसमें पाव में वड़ा लगा लिया, और साथ में वो जो सूखी चटनी रहती है ना वो मतलब इसकी रहती है, मेरे ख्याल से लहसुन वगैरह की रहती है। जबरदस्त भाई साहब, एकदम बढ़िया चटनी है ना जो सूखी वाली, एकदम बढ़िया टेस्ट आ रहा है उसका।
कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन। ऑफ वॉशरूम कंडीशन के बारे में बात करें तो भाई मेंटेनेंस तो सही है, मिरर अभी थोड़ा सा साफ़ नहीं है, यहाँ तो साफ़ सफाई ठीक है। बाकी अंदर वॉशरूम की बात करें तो हैंड वॉश पूरी जर्नी में अवेलेबल रहा, ट्रेन लेट है उसके बाद भी नल आ रहा है, पानी वगैरह फिलअप किया गया। बात करें मिरर की तो दिन में तो ठीक था, अभी समय के साथ साथ जैसे जैसे होता गया जर्नी में गंदा होता गया। बाकी मेंटेनेंस पूरी जर्नी के दौरान बहुत सही रही वॉशरूम की इस ट्रेन की, ये बात तो है। निर्धारित समय से 2 घंटे 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन, अपनी चेन्नई एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई। फाइनली भाई साहब रूट डाइवर्ट होने की वजह से अपनी ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो गई, नहीं तो ऑलमोस्ट तो टाइम पर ही चल रही थी। बाकी इस ट्रेन के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बता दी, प्राइसेस खाने पीने का कैसा है, टेस्ट कैसा है, ठीक है सही प्राइस लेना आपके हाथ में है, ठीक है और किसी के नहीं। आप कॉन्फिडेंटली बोलो भाई वेंडर को किसी भी ट्रेन में, भाई 80 वाली थाली आती है वही चाहिए, बस सीधी बात ये है। और नहीं होना तो कंप्लेन कर सकते हो भाई 139 पे आप कॉल लगा के कंप्लेन कर सकते हो। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।